नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। बड़े बड़े गैंगस्टर्स के नाम सामने आने लगे हैं। गोल्डी ब्राड से लेकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया है। तो इसी बीच कई गैंग और गैंगस्टर्स के लिंक जुड़ते हुए चले गए हैं। कई गैंगस्टर्स तो ऐसे हैं जो विदेश में बैठकर भारत के अंदर आपराधिक वारदातें करवा रहे हैं। NIA ने ऐसे ही गैंगस्टर्स की तलाश कर रही है। NIA ने पंजाब और हरियाणा के वंचित गैंगस्टर्स की लिस्ट भी जारी की है। में 5 लाख से लेकर 1 लाख रुपए तक के इनामी गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है दलेर कोटिया। दलेर कोटिया के खिलाफ अलग अलग थानों में रौती मांगने, मारपीट आदि के 11 मामले दर्ज हैं। लाल दलेर कोटिया भारत में नहीं है, वह अमेरिका में बैठकर भारत में अपना रंगदारी का कारोबार चला रहा है। दलेर कोटिया पर असंद के मीनाक्षी अस्पताल में अपने गुर्गे भेजकर गोलियां चलवाने, 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। हरियाणा में करनाल जिले के तहसील असंद में 18 मई 1997 को दलेर का जन्म हुआ था। वह मेडिकल स्टोर चलाता था, लेकिन किसान पिता जर्नैल सिंह के मरने के बाद रिश्तेदारों से जमीन को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद दलेर ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा और हिमाचल में दलेर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दलेर पर 1 लाख रुपये का इनाम। तो इसके बाद आता है अर्शदीप सिंह गिल। अर्श डल्ला नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह गिल के पिता का नाम चरणदीप सिंह है। वह पंजाब के मौगा जिले का रहने वाला है। अर्शदीप सिंह गिल को UPA अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित कर दिया था। मौजूदा समय में वह कनाडा में रह रहा है। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है। वह KTF नामक संगठन से जुड़ा हुआ है। अधिसूचना के मुताबिक अर्शदीप सिंह गिल का आतंकवादी हरदीप सिंह निंजर से नज़दीकी संबंध है। वह उसकी तरफ से आतंकी गतिविधियाँ चलाता है। अर्शदीप सिंह गिल और अर्श डल्ला आतंकवादी गतिविधियों के अलावा अपराधों जैसे हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग में शामिल है। यही नहीं, अर्शदीप बड़ी मात्रा में सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकी फंडिंग में शामिल है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम दिनेश शर्मा उर्फ गांधी। दिनेश शर्मा उर्फ गांधी शिवाजी नगर गुरुग्राम का निवासी है। उसके खिलाफ भी हत्या व लूट जैसे कई मुकदमे दर्ज। पुलिस को चकमा देने के लिए वह नाम बदल कर रहता है, अली और लक्की के नाम भी उसी के हैं। हरियाणा में STF के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी गांधी की तलाश है। गैंगस्टर कौशल गैंग की कमान इन दिनों गांधी संभाल रहा है और दिनेश शर्मा और गांधी के ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। उसके बाद हम बात करेंगे गौरव पटियाल और लक्की। गौरव पटियाल और लक्की पटियाल मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और वह इस समय आर्मेनिया में छुपा हुआ है। बम्बिया के एनकाउंटर के बाद बम्बिया गैंग की कमान गौरव उर्फ लक्की पटियाल ने संभाली है। धनास चंडीगढ़ को रहने वाला लक्की गौरव पटियाल पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो कि पहले कत्ल की कोशिश और एग्जॉटन जैसे मामले में जेल में बंद और फिर वह आर्मेनिया भाग गया। गौरव पटियाल के ऊपर 5 लाख रुपये का इनाम। इसके बाद सर हम बात करेंगे गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला। गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला पर भी 1 लाख रुपये का इनाम है। उसके पिता का नाम सुरजीत सिंह है। वह पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। आतुर के डल्ला गांव के चलते उसका नाम बाबा डल्ला पड़ा। वह कनाडा में छिपा हुआ है। NIA ने उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नीरज पंडित। नीरज पंडित हरियाणा पुलिस के टॉप गैंगस्टर्स की लिस्ट में नीरज पंडित का नाम है। वह शिवाजी नगर गुरुग्राम का रहने वाला है। NIA ने भी इसके ऊपर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। अगला जो गैंगस्टर है संदीप और बंदर। गैंगस्टर संदीप और बंदर ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर कौशल गैंग का गुर्गा है। संदीप और बंदर पर 10 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, मारपीट आदि मामले दर्ज हैं। वह अभी भी फरार चल रहा है। इसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। ये थे वो इनामी गैंगस्टर्स। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रही है हमारे कटाक्ष टीवी पर। धन्यवाद।